फुटबॉलिंग डी एस स्टूडेंट माई सेल्फ प्रकाश चंद्र परियार और डी टी एस खेजला की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो इसी के साथ आज बढ़ते अपना जो चैप्टर चल रहा था इंटीजर। इंटीजर्स होते क्या, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दी थी और एक बेसिक जो मैथ्स की वीडियो बनाई थी उसमें भी इसकी डेफिनेशन, इसके एग्जाम्पल मैंने अच्छी तरीके से समझाए थे। तो आज अपने जो एक्सरसाइज चल रही है वो है एक्सरसाइज 1.2। कौन सी है? 1.2 का हमने क्वेश्चन कर लिया था, 1, 2, 3 कर लिया था। आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन 4। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, अपने नोटबुक में सबसे पहले ऊपर लिखेंगे CW के बाद में डेट के बाद में एक्सरसाइज 1.2 और चैप्टर का नाम तो आपने स्टार्ट में लगा दिया होगा। अब ले आप ब्लैक पेन और ब्लैक पेन से क्वेश्चन उतारें 4। ब्लैक पेन से आपको क्या करना है, 4 क्वेश्चन उतारना है और लिखना है simplify by using property, यानी प्रॉपर्टी यूज करके आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे ये अपन देखेंगे आज। जो पहला क्वेश्चन है वो है 15 मल्टीप्लाई हो रहा है -25 ब्रैकेट प्लस 15 मल्टीप्लाई हो रहा है -15। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, इसमें हमें क्या करना है, एक प्रॉपर्टी यूज, इसको सिंप्लीफाई करना है बाय यूजिंग प्रॉपर्टी। तो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, उससे पहले मैं आपको एक प्रॉपर्टी बताता हूं। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, जब दो संख्याएं मल्टीप्लाई हो रही है a और b प्लस सी। ठीक है, ये मैंने एक आपको प्रॉपर्टी बताई थी, a मल्टीप्लाई हो b और प्लस c से। मान लो दो संख्या प्लस हो रही है और एक बार वाली मल्टीप्लाई हो रही है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ये a मल्टीप्लाई होता है b से, बीच में ये प्लस और ये a वापस किससे होता है और c से। तो यहां देखो ये फॉर्म देखो, ये मैं अगर a मान लू 15 को क्या मान लू, a बराबर क्या हो जाएगा 15। ठीक है, b बराबर हो जाएगा -25 और सी बराबर क्या हो जाएगा -15। ये हो गया। तो आप बताओ ये मेरा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वाली थी, तो a मल्टीप्लाई बी, तो बताओ a मैंने क्या माना 15 मल्टीप्लाई। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये सॉल्व कैसे होता है, ये कैसे होता है, तो इसकी ये इस फॉर्म में दे रखा है, तो हमें क्या करना है, डायरेक्ट क्या करना है, इस फॉर्म में लाना है। तो ये करो a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस सी, a क्या था 15 मल्टीप्लाई b और c कितना है, b है अपना -25 प्लस और -15। ठीक है, तो देखो एक प्लस की संख्या एक माइनस की संख्या, दोनों माइनस की संख्या है, एक प्लस की संख्या है और एक माइनस की संख्या है, तो अपन क्या करेंगे, दोनों माइनस की संख्या प्लस हो रही है, तो ये 15 आपको दिख रहा है, 15 को मल्टीप्लाई कर दो आप, दोनों माइनस की संख्या प्लस हो जाएगी, 25 में 30 और 40 -40। ठीक है, और 15 हो जा 60 -600। ठीक है, ये आपको आराम से करना है, ये आपको ध्यान रखना है, जब भी तीन संख्या है a मल्टीप्लाई बी प्लस सी होता है तो उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, a मल्टीप्लाई बी प्लस a मल्टीप्लाई सी। तो अगर इस फॉर्म में ये रूप दिया है, मैंने ये लिख लिया, अगर ये देता तो मैं ये लिख देता। ठीक है, तो ये कहलाती है प्रॉपर्टी, इसीलिए मैंने प्रॉपर्टी से किया इसको। तो आप इसको आराम से उतार लें,
इससे पहले मैं दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूँ, उससे पहले आप क्या करेंगे, सेकंड वाला क्वेश्चन ब्लैक पेन से आराम से उतार लेंगे और उसको आप समझने की कोशिश करेंगे कि अभी ये सॉल्व कैसे होगा, ये कौन सी फॉर्म में दे रखा है। तो सभी ने कर लिया होगा तो मैं आगे बढ़ू। अब हम क्या करेंगे, इससे आगे वाला क्वेश्चन लेंगे। अब हम लेंगे सेकंड क्वेश्चन। वो है 15 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 15 मल्टीप्लाई -6। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे प्रॉपर्टी क्या यूज करेंगे, यहाँ पे दो माइनस की संख्याएं हैं, तो अपन क्या करेंगे, एक माइनस के 15 आ रहे, प्लस के 15 है, तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे अपन क्या करेंगे, प्लस का लेंगे। ठीक है, एक कॉमन लेंगे, तो ये मैंने ये आपको दे रखा है a मल्टीप्लाई c। ठीक है, इस फॉर्म में दे रखा है, तो इसके बराबर क्या होता है, a मल्टीप्लाई b प्लस c। यानी जब इस फॉर्म में दे रखा है तो हमें डायरेक्ट a मल्टीप्लाई लिखना है, तो a क्या मानेंगे 15, b क्या मानेंगे 4 और c क्या मानेंगे -6। तो आप उतार लेंगे अपन यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई b और b क्या था 4 प्लस -6। ठीक है, तो 15 मल्टीप्लाई होगा, एक संख्या प्लस की, एक माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये हो गया -2, 15 2 30, तो ये -30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, और बाहर माइनस का था तो यहाँ वापस प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप उतार ले, ये सेकंड क्वेश्चन भी। आराम से उतार ले आप, क्वेश्चन बिल्कुल प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन है, जो क्या है, आपको थोड़ी प्रॉपर्टी पे बेस है, अगर आपको लग रहे होंगे टिपिकल पर ये क्या है, अगर प्रॉपर्टी आती है आपको ये याद है तो ये आसानी से आंसर आ सकता है इसका। तो अभी सभी बच्चों ने अब तक जितने भी मैंने वीडियो बनाए हैं, अब तक मैंने जितने भी वीडियो बनाए हैं या मैंने आपको होमवर्क डाला है, वो आप सभी ने कंप्लीट कर लिया होगा अच्छी राइटिंग से, अपने अच्छी नोटबुक बना ली होगी। बिल्कुल ये नई नोटबुक बनानी है, नई नोटबुक बनानी है, मैथ्स की बनानी है, आप लगना चाहिए जैसे आपके स्कूल की नोटबुक है, आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, और काम बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, और टाइम टू टाइम आप चेक भी करवाएं उसको। तो आज अपन लेते हैं इसके बाद वाला जो लास्ट एक प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, वो आपको क्या करना, होमवर्क में करना है। ठीक है, अब वो क्या करोगे आप होमवर्क में, और ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपको क्या करनी है, लर्न होनी चाहिए इसका फॉर्मूला जो है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का जो लास्ट क्वेश्चन है डी, 18 मल्टीप्लाई 20 माइनस 18 मल्टीप्लाई 10। अब देखो बीच में ये ध्यान रखना है, सबसे आसान है ये क्वेश्चन आपके लिए, सबसे आसान है। अब यहां ध्यान रखना आपको माइनस ना आ रहेगा, तो आप क्या लिखोगे, a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c। देखो दोनों जगह 18 18, इसीलिए मैंने इसको क्या नाम दे दिया a, दोनों जगह एक जैसी संख्या आएगी तो वो a है, तो ये a बराबर 18
बी बराबर 20 और सी बराबर, देखो ए बराबर क्या होगा 18, बी बराबर 20 और सी बराबर 10 हो गए। अब आपको क्या लिखना है, ए मल्टीप्लाई बी माइनस, वहां लिखता था बी प्लस सी, तुम यहाँ क्या लिखोगे बी माइनस सी, यानी देखो 18 मल्टीप्लाई 20 माइनस 10, 20 माइनस 10 मैं देखते ही आंसर बता देता हूँ इसका, देखना 18 मल्टीप्लाई 10 माइनस 20 माइनस 10 10, 18 10 जा 180, इसका आंसर होगा 180 होगा। कैसे निकाला मैंने, 18 को मल्टीप्लाई करना था, अब दोनों को माइनस करना था b माइनस सी, तो 20 माइनस 10 10 10 इंटू 18 180। तो अभी ये उतार ले आपको होमवर्क के रूप में इसको करना है। तो आज जो अपनी क्लास है 7 इस क्वेश्चन के साथ एंड होती है, नेक्स्ट अपन लेंगे 5th क्वेश्चन। इसके बाद में जो क्वेश्चन आएंगे वो कैसे आएंगे, वर्ड प्रॉब्लम वाले आएंगे। वर्ड प्रॉब्लम में क्या होगा, अपने को सबसे पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी पड़ेगी, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। तो इसी के साथ आज अपनी क्लास जो समाप्त होती है, नेक्स्ट वीडियो में अपन इससे आगे वाले क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, बाय बाय।